नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। बड़ी सिंपल सी बात हमें समझाई जा रही है। एक चींटी की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो छोटे छोटे काम ही यहाँ पर करती रहती है। इस तरीके से डेडिकेशन लगाकर काम करती है कि मतलब अगर एक चेन बना दी तो उस काम को एक चेन के चलते सभी चींटियों ने करा तो वो करती रहती। कोई भी अगर सामान इकट्ठा करना है तो वो करती रहती, चाहे यहाँ पर जो शुगर वगैरह हम यूज करते हैं तो अगर उसका भी भंडार इकट्ठा करना है तो वो अकेली चढ़ पड़ती है और यहाँ पर चलती रहती है। ओके, तो जो जहां पर भी इकट्ठा करती है ना, वहां पर अच्छा खासा ये भंडार बना लेती है अपना, जिनको कि आगे यूज करती रहती है। तो इसी तरीके से अगर हम भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, महान कार्य नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कार्य हैं उन्हीं को यहाँ पर ना महान तरीके से, बड़े तरीके से करो, ताकि जो कि एक दूसरे को हम खुशियां बांटे। अगर छोटा छोटा काम, जैसे डेली की रूटीन में घर वाले भी कोई काम आपको असाइन करते तो आप करो, इस तरीके से करो कि मतलब कि घर वाले भी खुश रहे कि बच्चा जो है काम करके दिखा रहा है। तो अभी तो सिचुएशन ही ऐसी है कि घरों के अंदर ही रहना है, घरों के बाहर कम निकलना है, अगर जरूरत है तो तभी निकलना है। तो इसमें तो आपको ही एक पॉजिटिविटी वाला माहौल जो है वो घर पे बनाना होगा। और छोटे छोटे काम को जो भी आपको असाइन होता है उसको करो। ओके, तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक नई जागृति आपको जो है देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका राइज होगा अगर घर के काम आप करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो होता है संडे को, हम टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें से कोई एक आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, तो स्वामी नॉमिक्स करके भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वामीनाथन नाम है इन ऑथर्स का, तो इन्हीं का आर्टिकल जो है ना हम संडे को डिस्कस करते हैं। काफी कुछ नया सीखने को मिलता है इधर। तो अभी इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं, फूड ब्रेक्स ऑन फार्म प्रोटेस्ट, दे पोज रिस्क टू पब्लिक हेल्थ। तो जो फार्म प्रोटेस्ट अभी 6 महीने हो चुके हैं, 26 मई को 6 महीने हुए हैं कंप्लीट फार्म प्रोटेस्ट को चलते दिल्ली बॉर्डर्स के, दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स है वहां पर। तो अभी ऑथर यही बात कर रहे हैं कि इसको अभी रोक देना चाहिए, इसके चलते पब्लिक हेल्थ के ऊपर नुकसान जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी COVID-19 के चलते जो सेकेंड वेव आई है ना, तो पहले मार्च अप्रैल तक तो ऐसा था, शुरुआती जो अप्रैल था, जहाँ पूरा मार्च देख लो, फरवरी मार्च देख लो, तो मतलब इंटेंशन ऐसी बन चुकी थी आम लोगों की, सरकारों की, कि कुछ नहीं, अभी जो फर्स्ट वेव था चला गया, तो अभी चलो जो बीमारी थी अब खत्म है, अभी मतलब सुकून से हम जी सकते हैं। लेकिन हमने सीखा नहीं, जो हिस्ट्री में जो बीमारियां पहले से आ चुकी हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी आई थी 1918 में, तो उस समय उसकी भी यहाँ पर 3 वेव्स आई थी और उसके चलते भी 500 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए थे और 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ओके, तो ये मैं आपको सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो वहां पर भी जो सेकेंड वेव आई थी ना, तो उस समय सेकेंड वेव ने बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान किया था। सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई थी वो सेकेंड वेव के चलते ही हुई थी। तो 1918 की बात कर रहे हैं। तो अभी 102 साल हो गए, तो फिर यहाँ पर महामारी आई है और अभी भी सेकेंड वेव ही भारत में जो है ना वो सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। तो अभी सेकेंड वेव के चलते पूरा का पूरा माइंड सेट ना लोगों का बिल्कुल बदल चुका है, जितना मतलब डिजास्टर जो स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रहा है COVID-19 के केसेस का। और अभी देखो COVID-19 के केसेस के अलावा अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, और वेरिएंट्स के अलावा और भी बीमारियां जो है ना वो भी, उनको भी यहाँ पर एक जो है अटेंशन मिल चुकी है, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियां। तो इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर बात करें कि इसको भी यहाँ पर इनके ऊपर इनकी आलोचना हुई कि इन्होंने अभी जो हाल ही में इलेक्शन होके गुजरे जिनका रिजल्ट 2 मई को आया था, तो ये 31 मार्च के आसपास ये शुरू हुआ था, पूरा अप्रैल महीना यहाँ पर इलेक्शंस में ही गुजरा। तो पूरा अप्रैल महीने में क्या हुआ है कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर इलेक्शंस थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रैलीज की गई। ओके, तो अभी इसमें ऐसा था कि जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था ना उसको 8 फेसेस में करवाया गया, मतलब इतना लंबा खींचा गया उस इलेक्शन को। और जो बाकी के राज्य थे, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, ओके, उसके बाद अगर पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर इलेक्शंस को सिर्फ एक ही फेज में करवाया गया। तो 6 अप्रैल को वहां उन राज्यों में इलेक्शंस हो गए थे।
और जो असम था उसमें 3 फेसेस में इलेक्शन करवाए गए। ओके, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को मतलब काफी आलोचना इसकी हुई कि इतना लेंथी वोटिंग शेड्यूल आपने रखा। ओके, तो जो अभी रिसेंट स्टेट इलेक्शंस हुए, जो कि गलत बात थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक मौका मिल गया जिसके चलते जो बीमारी थी ना वो और फैल गई, और अपने आप का जो उसका वेरिएंट था उसको अपने आप में ही बदल दिया उसने, और घातक हो गया। और दूसरा, यहाँ पर बात करें जो कुंभ मेला ये हरिद्वार में इस बार हुआ है, तो वहां पर उसकी भी आलोचना यहाँ पर की गई कि मतलब मास कॉन्टैक्ट यहाँ पर हुआ। तो इसके चलते हरिद्वार में क्या होता है कि बहुत सारे जो अखाड़े होते हैं, जो साधुओं के अखाड़े होते हैं, वो आते हैं स्नान करने के लिए। तो उस समय भी यहाँ पर एक अखाड़े के काफी बड़े लीडर थे जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस के चलते। तो बाद में उसी अखाड़े के जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम जो है अभी वापस जा रहे हैं। ओके, तो ये मतलब कि जिस सिचुएशन यहाँ पर रही है कुंभ मेला में। और यहाँ पर आगे बात करें आईपीएल की, जो इंडियन प्रीमियर लीग, तो उसको भी सस्पेंड किया गया है। इसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक्स, तो कल भी हमने द हिंदू एनालिसिस में बात की थी इसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक्स जो कि अभी ये जून के महीने में स्टार्ट होंगे। ओके, तो अभी 2020 में होने थे पहले, लेकिन 1 साल यहाँ पर इनको एक्सटेंड कर दिया गया। $15 बिलियन के आसपास का इसका बजट है। तो अभी इसका भी यही लग रहा है कि इसको अभी रोका जाएगा, दोबारा रोका जाएगा, जिस तरीके से सिचुएशन बिगड़ती जा रही। तो जापान में होना है इस बार, तो जापान में ऑलरेडी यहाँ पर वहां पर भी जो सिचुएशन है इतनी सही नहीं है। तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो सालाना जो यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा होती है उसके ऊपर यहाँ पर पाबंदी फिलहाल लगाई, सस्पेंशन लगाया हुआ है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चारों क्या चीज है, बड़ा पॉपुलर नाम है जिसके, जो नाम पुकार कर भी हम ना यहाँ पर इन चारों का नाम लेते हैं। तो क्या नाम है वो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम है इस यात्रा का। ओके, जहां पर ये चारों के चारों जो धाम है इनको विजिट किया जाता है। तो अभी इनको भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया है कि अभी इस साल यात्रा ये इसको रोका जाएगा। और आगे यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, ओके, तो उत्तर प्रदेश की ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी कैपिटल जो है लखनऊ है, हाई कोर्ट जो है वो किसी और शहर में। तो क्या भारत में इसके अलावा कोई ऐसा और राज्य है जहां पर जिसकी कैपिटल कहीं और है और हाई कोर्ट कहीं और है? चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है उसकी हाई कोर्ट कहां पर, और दूसरा जो अंडेमान निकोबार आइलैंड उसकी हाई कोर्ट कहां पर है? ओके, तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। और आगे यहाँ पर बात करें, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसने भी यहाँ पर निंदा की है कि जो अभी हाल ही में पंचायती इलेक्शन उत्तर प्रदेश में करवाए गए थे, उसमें भी जो जो टीचर्स की, खासतौर पर मैं अगर बात करूँ, ड्यूटीज लगाई गई थी, तो बहुत सारे टीचर्स की मृत्यु हो गई जो यहाँ पर यूपी सरकार में काम करते थे। तो इसी चीज की यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निंदा की कि अच्छे तरीके से यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। ओके, तो ये जो पंचायती इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं ना, ये जो ये करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन तो, लेकिन ये जो राज्यों के इलेक्शन होते हैं, जो अभी ये 4-5 राज्यों के होकर हटे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखें। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक बार यहाँ पर इलेक्शन, तो यहाँ पर देखा जाता है कि पोलिटिकल पार्टीज या जो कोर्ट्स है उनके द्वारा कि ये फंडामेंटल राइट है हमारे जो वोटर्स है उनका, तो ये करवाने चाहिए। ओके, तो चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस यहाँ पर हो जाए, तो करवाए गए यहाँ पर इलेक्शन। लेकिन अभी कोविड ने सभी के विचारों को जो है बदल दिया है। ओके, तो यहाँ पर बात करें जो कॉन्टैक्ट प्रमोटिंग एक्टिविटीज अभी जो हुई हैं, ओके, तो अभी उनको रोका जा रहा है। ओके, तो अभी दूसरी और बात करें जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ओके, तो यहाँ पर जो जो भी लोग यहाँ पर जो कोविड स्प्रेडर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग कुछ बात यहाँ पर नहीं कह रहे। ओके, मतलब जो इनको कहना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टीज तो मतलब एक तरीके से ऐसे बैठी हुई है कि अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है तो चलने दो, हम उनके साथ हैं, क्योंकि सारी की सारी जो है यहाँ पर राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और कोविड स्प्रेडर के तौर पर ये सब लोग काम कर सकते हैं। चाहे अभी जो रैलीज हुई, अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए, तो वहां पर भी यही सब कुछ हुआ। वहां पर भी ऑपोजिशन पार्टीज भी बैठी थी रैलीज करवाने के लिए, यहाँ पर जो पोलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वही रैलीज करवा रही थी, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर अपोज नहीं किया उसको कि ऐसी एक्टिविटीज क्यों की जा रही है। ना यहाँ पर कोई इंटेलेक्चुअल बोला है, या ना ही यहाँ पर कोई पार्टी मेंबर बोला है, कोई बुद्धिजीवी, वो भी यहाँ पर कोई बात नहीं रखी है किसी ने। तो आगे यहाँ पर बात कर, जो फार्मर्स एजिटेशन यहाँ पर दिल्ली के आसपास चल रही है, तो यहाँ पर उसको भी पॉइंट ऑफ किया जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग भी कोई नहीं बोल रहा है। कोई भी यहाँ पर मेरिट हो, जो भी इतने मैसिव
बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर बैठ कर एजिटेट कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर मुद्दा हो, तो यहाँ पर कोविड केसेस जो है बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इनको रोकना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात रख रहे हैं कि कोविड से प्रेडेटर के रूप में ये आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको रोकना है। तो आगे यहाँ पर बात करें ऑथर की, मैं कोई फैन नहीं हूँ बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या फिर मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें। आदित्यनाथ जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर इस बार ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर फुली एग्री हूँ इन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स के साथ कि यहाँ पर जो फार्मर्स प्रोटेक्शन, जो फार्मर्स जो एजिटेशन चल रही है ना, प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो दिल्ली के आसपास, तो यहाँ पर वो बीमारी को और फैला देंगे, मृत्यु दर और बढ़ जाएगी। और इसी चीज को यहाँ पर बात करें कि इंडियन पॉलिटिक्स की यहाँ पर जो कुटिलता है, तो यहाँ पर उसमें ये सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज है तो वो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन पार्टीज फार्मर्स के खिलाफ बोले कि वो अपने घर चले जाएं। ऐसे काफी सारे लोगों की मृत्यु फार्मर प्रोटेस्ट में भी ऑलरेडी हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु ऑलरेडी फार्मर प्रोटेस्ट में ही हो चुकी है। ओके, तो वो कोविड के रिलेटेड नहीं है वैसे, जब ये कोविड के बिना तो वहां की जो यहाँ पर कंडीशन है वहां पर बैठे बैठे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना वो समर्थन कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ दोस क्लेमिंग टू एक्सपोज ह्यूमन राइट शुड कॉल फॉर सस्पेंशन ऑफ एजिटेशन। और ये वही लोग हैं जो ज्यादातर कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है ना उसका ध्यान रखना है, उसका जो आम नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो नहीं छीने जाने चाहिए। तो अभी इन सभी लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि मतलब अभी एजिटेशन को सस्पेंड कर देना चाहिए अगर ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हो, क्योंकि अगर ये बढ़ती गई तो बाद में फिर जाने जाएंगे लोगों की, यहाँ पर कोविड स्प्रेड होगा और ज्यादा, तो यहाँ पर फिर किसको कहो व्यक्ति है? तो क्या या ये जो बातें क्या ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत नहीं आती? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसी अगर आर्गूमेंट की हम बात करें, सो वुड होल्ड इवन इफ द फार्मर्स हैड द बेस्ट केस इन द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी आर्गूमेंट किया गया अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये तब भी यहाँ पर वाजिब होता अगर यहाँ पर ये फार्मर प्रोटेस्ट वाला ये केस बेस्ट केस माना जाता अगर पूरी दुनिया में, थोड़ा अलग होता। तो यहाँ पर देखो ये जो एजिटेशन चल रही, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बता रही जैसे जो अमीरों का जो इंटरेस्ट होता है वो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहाँ पर इनको मोस्ट सब्सिडाइज फार्मर्स कहा जा रहा है ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जिनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है अलग अलग मायनों में। ओके, चाहे एमएसपी के रूप में बात कर लो, चाहे पावर सब्सिडी के रूप में बात कर लो, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में बात कर लो, तो ये जो एजिटेशन चल रही है ना, तो ये ओवरऑल जो इंडियन फार्मर्स की अगर हम बात करें तो उनको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ सम्मानित फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे महाराष्ट्र शेतकारी संगठन है और हैदराबाद बेस्ड यहाँ पर एक और एसोसिएशन है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ फार्म एसोसिएशन। तो ये जो बड़े ग्रुप हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट की है गवर्नमेंट के जो फार्म रिफॉर्म लॉज है कि ये सही है, और इन्होंने जो इसके खिलाफ जो एजिटेशन हो रही है तो उसको भी अपोज किया कि ये गलत हो रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो पंजाब फार्मर्स की अगर बात करें तो वो ज्यादातर फार्म रिफॉर्म लॉज जो है ना उनके यहाँ पर विरोध कम है, एंड यहाँ पर डर ज्यादा है। तो यहाँ पर डर इस चीज का है कि आने वाले समय में जो भारत सरकार है वो जो एमएसपी देती है ना यहाँ पर वीट और राइस के ऊपर, तो उसको यहाँ पर कम कर सकती है, उसको डिसमेंटल कर सकती है। जैसे यहाँ पर फार्म लॉज में यही सुविधा दी गई है कि जो जैसे सरकार यहाँ पर प्रोक्योरमेंट करती है वैसे ही यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर भी आकर प्रोक्योरमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो अच्छा जो है दाम मिल सकता है। लेकिन डर यहाँ पर यही है कि शुरुआती दिनों में तो अच्छा दाम मिल जाएगा पहले 2-3 साल, लेकिन फ्यूचर में जब ये पूरा सिस्टम बैठ गया तो फिर यहाँ पर अच्छा दाम इनको मिलने वाला नहीं है, तो यही यहाँ पर चिंता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दूसरी ओर बार बार एश्योर किया है कि जो एमएसपी है वो लगातार चलता रहेगा जितने भी यहाँ पर सरकारी खरीद होगी उसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बात करें कि सिर्फ बहरे लोगों को ही जैसे सरकार बोल रही है कोई सुन नहीं रहा सरकार की। और आगे यहाँ पर बात करें कि सिर्फ यहाँ पर 6% ही यहाँ पर फार्मर्स हैं अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें जिनको कि यहाँ पर एमएसपी का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का बेनिफिट मिलता है। तो ये बात कही जा रही है अशोक गुलाटी के द्वारा। तो ये जो है ना वन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, नॉमिनेटेड टू एन एक्सपर्ट बॉडी जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, तो
जो कि मतलब कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग काम करेगी, उनसे बातचीत करेगी कि इनके इस मसले का हल निकाला जाए, लेकिन इसको बाद में जो एजिटेटर्स थे उनके द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया इस बॉडी को, इस एक्सपर्ट बॉडी को। ओके तो यहाँ पर जो गुलाटी जी बात बात कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि जो पंजाब फार्मर्स है ना, तो इनको सालाना जो पावर सब्सिडीज मिलती है वो 8,275 करोड़ रुपए की मिलती है एक साल में, मतलब इतनी तो यहाँ पर इनकी पावर सब्सिडी है। तो इसमें ऐसा होता है कि ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जो पंजाब के गाँव होते हैं तो वहां पर जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, और जो है आप अपने खेतों को पानी लगा सकते हो, या फिर और भी जो चीजें जरूरी है वो कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरा, यहाँ पर बात करें फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो यहाँ पर 5,000 करोड़ की एक साल में फर्टिलाइजर सब्सिडी यहाँ पर जाती है पंजाब में। दूसरा, एवरेज यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ₹1.22 लाख जो है ना पर फार्म हाउसहोल्ड, मतलब इतना पैसा जो है इन्वेस्ट होता है, जो सरकार लगा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनको और भी जो भारत सरकार की स्कीम्स है, जैसे सब्सिडाइज क्रेडिट, इसके अलावा जो पीएम किसान ग्रांट, तो सब्सिडाइज क्रेडिट जो ना वो जैसे रूरल बैंक बनाए हुए हैं, जैसे नाबार्ड है। ओके, नाबार्ड का मतलब यही है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो उसका काम यही है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है फार्म लोन वो प्रोवाइड करता है सस्ते दामों पे, मतलब कि सस्ता यहाँ पर कम से कम ब्याज दरों में वो लोन प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी ओर यहाँ पर जो पीएम किसान है, तो यहाँ पर पीएम किसान निधि एक यहाँ पर स्कीम भी है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ₹6,000 जो ना वो एक साल के हिसाब से यहाँ पर दिए जाएंगे एज ए इनकम सपोर्ट टू द फार्मर, की जो भी सामान वो खरीदना चाहे अपनी फार्मिंग के लिए वो मिले। तो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये दिया जाता है। तो ये खास तौर पे जो यहाँ पर मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए स्कीम है, जिनके पास 1 हेक्टर या 1.5 हेक्टर के आसपास जो जमीन है उनके लिए स्कीम। ओके, और यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जब इनकम हाई हो जाती है, कि जब सब कुछ एक साइड फ्री आ रहा है, तो जो जो भी चीज बनाएंगे, जो भी चीज यहाँ पर निकलेगी, जैसे राइस निकला, वीट निकला, तो उसको बेचेंगे तो सीधी सीधी अमाउंट इनके पास गई, तो इनकम बढ़ी। और उसी के चलते यहाँ पर लैंड प्राइसेस जो है वो भी हाई हो जाते हैं। तो जो 1 एकड़ भी जो जमीन है ना, तो वो यहाँ पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की 1 एकड़ जमीन आपको मिलेगी अलग अलग जगहों पर। ओके, पंजाब में तो ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर इसीलिए जो इंडस्ट्रीज है ना, तो वो इन्वेस्ट करती नहीं है पंजाब में, क्योंकि इतना पैसा तो इंडस्ट्रियल सेटअप करने में नहीं लगता जितना पैसा जमीन खरीदने में लग जाता है। तो जो जमीनें हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इंडस्ट्रियल्स भी यहाँ पर इससे थोड़ा साइड पे दूर ही भागते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो उन फार्मर्स को हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी 1 या 1.5 हेक्टेयर या उससे थोड़ी कम जो है जमीन होती है। ओके, तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पर पंजाब की बात करेंगे, अगर यहाँ पर किसी के पास 1 हेक्टेयर भी जमीन है, तो उसकी भी कीमत जो है 1.25 से 2.5 करोड़ के आसपास बनती है। ओके, तो वो दिखने में नहीं लगते हैं कि वो समृद्ध है। ओके, लेकिन जो भी एजिटेटर्स यहाँ पर बैठे हैं, सभी की सभी ज्यादातर करोड़पति। ओके, जिनकी जिनको की एनुअल सब्सिडी मिलती है एक्सेडिंग 1.2 लाख। ओके, तो पर हाउस होल्ड की ये बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उनको जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो पसंद आ चुका है, उससे वो प्रेम करते, तो उसी में वो रहना चाह रहे हैं। ओके, तो जो जिसके चलते फाइनेंशियली, एनवायरमेंटली और ह्यूमन डिजास्टर, तो ये तीनों चीजें हो रही हैं। ओके, फाइनेंशियली भी मतलब जो है पैसा सरकारों की तरफ से लग रहा है, और दूसरा एनवायरमेंटल, जैसे अभी देखो जो केमिकल्स वगैरह लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लगने शुरू हो चुके हैं, तो पिछले काफी सालों से लग रहे हैं जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया हुआ है। ओके, तब से ही ये मतलब जो खान पान है ना, उसमें जहर जो है ऑलरेडी जो है डाल दिया जा चुका है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल डैमेज भी है, तो यहाँ पर ह्यूमन डिजास्टर भी है। तो जो जहर खाएगा तो वो वीकनेस का ही शिकार होगा, तो क्या इम्यूनिटी बनेगी, तो यही यहाँ पर सिचुएशन बनेगी। आगे बढ़ते हैं, तो एक मोहिंदर गुलाटी हैं जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल कैंपेन के। तो यहाँ पर उनकी जो बात कही जा रही है, तो कह रहे हैं जो फार्मर्स दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, तो वो जो दिल्ली के आसपास भी जो फार्मर्स रहते हैं, तो वो 100 मिलियन टन जो है ना, जो फसल क्रॉप जो मतलब बच जाती है फसल काटने के बाद में, तो यहाँ पर 100 मिलियन टन के जो यहाँ पर स्टबल है ना, उसको यहाँ पर जलाया जाता है, आग लगाई जाती है। ओके, तो उससे भी जो है ना, फिर जो टेम्परेचर है वो भी राइस होने को मिलता है, और बहुत सारी बीमारियां जो है फेफड़ों की वो भी फैलनी शुरू हो जाती है, जब स्टबल जो घास फूस बचती जब उसको आग लगाया जाता है, कि जल्दी से हम अपनी जमीन को क्लियर कर लें, मतलब क्यों, क्योंकि हमने दूसरी कोई फसल जो है ना उसको जल्दी से जल्दी लगाना है।
ओके, तो 100 मिलियन टन तो काफी ज्यादा ये अमाउंट हो जाती है, जितना यहाँ पर स्टबल जो है बर्न किया जाता है, तो जिसके चलते यहाँ पर 140 मिलियन टन की जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होती है, और 12 मिलियन टन की जो बाकी के जो पोल्यूटिंग गैसेस है वो निकल कर आती है, और 1.2 मिलियन टन जो है पर्टिकुलेट मैटर। ओके, तो पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पर ये भी दो तरीके की यहाँ पर ये एमिशंस है, एक होता है PM2.5, एक होता है PM10। तो ये भी बहुत सारी, मतलब जितना ही ज्यादा बढ़ेगा तो इमिशंस उतनी बीमारियां फैलती हैं ज्यादा। और दिल्ली में जो स्मोक देखने को मिलती है, और दिल्ली के आसपास के एरियाज में भी जो मतलब जो माहौल देखने को मिलता है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, हवा के रिगार्डिंग, तो वो 50 मिलियन लोगों को मतलब प्रभावित करता है, जो ये सब चीजें होती हैं दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं अगर उनकी हम बात करें। ओके, तो इसमें पंजाब और हरियाणा ये दोनों आ जाते हैं, इसके अलावा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये आ जाता है, राजस्थान वाला एरिया आ जाता है, जहां पर अगर आस पास में जहां पर भी ये स्टबल बर्निंग होती है, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है 50 मिलियन लोगों को। इसके अलावा जो आस पास के जो स्कूल होते हैं, जिसके चलते फेफड़ों की जो बीमारियां ना वो यहाँ पर बननी शुरू हो जाती हैं, फेफड़े डैमेज भी होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इम्पैक्ट करते हैं कम से कम 2.2 मिलियन चिल्ड्रन को, और यहाँ पर अडल्ट को भी, जो बड़े लोग हैं उनको भी। और अगर हम स्टबल बर्न करते हैं तो उसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का और कार्बन का पोटेंशियल होता है एक मिट्टी में, मिट्टी में भी अगर अच्छा नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होती है क्रॉप्स की, लेकिन जब आग ही लगा दी जाती है तो ये कंटेंट जो होता है मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन का, तो ये यहाँ पर ये भी जो है खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे यहाँ पर माइक्रो फ्लोरा और फौना होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं है, और यहाँ पर जो जड़ी बूटियां होती हैं छोटी छोटी, तो वो भी जो है जलकर राख हो जाती हैं, जो कि सॉइल को मिट्टी को बेनिफिट कर रही होती है किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो एक कीड़े को मारने के चक्कर में हम वो कीड़ा भी मार लेते हैं जो कि यहाँ पर उपजाऊ रहता है, जो फसल को काफी बढ़िया जो है ना ग्रोथ दे सकता है। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो जब केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, दूसरा जो ये जब आग लगाई जाती है तब ये इतना नुकसान जो है ये होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारा, तो वो उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जिसके चलते जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो इनका इस्तेमाल जो है धड़ल्ले से होता है, बाद में जब हम चाह रहे होते हैं कि अच्छे से हमारी ना उपज जो है अच्छी निकले, तो जो नेचुरल जो प्रोसेस था उसको हम खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उसको इस्तेमाल करके हम ग्रोथ जो है निकालने की कोशिश करते हैं प्लांट्स की या क्रॉप्स की। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो स्टबल बर्निंग है वो इलीगल है, लेकिन जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा में वो इन कानूनों को इग्नोर करते हैं। ओके, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनको अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी जो वोट से कहीं वो ना चले जाए, जिन जिन की भी यहाँ पर राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वो मतलब बिल्कुल इनके साथ ही चलते हैं कि मतलब जो आप कर रहे हो स्टबल बर्निंग है तो कोई कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्यों किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़े और पैसे कमा लिए जाए, क्यों, क्योंकि जो एक फसल काटी है उसको जल्दी से ग्राउंड को क्लियर करें और जल्दी से दूसरी वाली जो फसल है ना उसको बीज दिया जाए, उसको लगा दिया जाए। वही बात कर रहे हैं कि विंटर की जो यहाँ पर बात करके बीट अगर अगर लगा दी है। ओके, तो अभी जब मार्च अप्रैल आएगा जब काटी जाएगी फसल, तो चाह रहे हैं कि जो समर की राइस क्रॉप है उसको भी जल्दी से लगाया जाए, इसलिए यहाँ पर फार्म को क्लियर कर देते हैं आग लगाकर। तो आगे यहाँ पर बात करें, दे बर्न देयर राइस स्टबल टू क्विकली क्लियर देयर फील्ड्स। तो इसी तरीके से जब आगे वाला जो प्रोसेस चलता है, जब राइस लग जाता है, तो उसको भी जल्दी से क्लियर करते हैं कि अगली अगली फसल जो है लगा लीजिए। तो ये पूरी जो सिचुएशन बनी हुई है, ओके, तो मतलब कोई भी परवाह नहीं करता किसी बात की कि जो ऐसे आग लगाई जाएगी तो उससे आपके आस पड़ोस में मतलब नुकसान होगा, बीमारियां फैल जाएंगी, लोग मर सकते हैं, तो इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं। और आगे यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जैसे इन राज्यों में अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स भी होती तो इन्हीं चीजों के ऊपर होती है कि फार्मर्स को जितना कुछ कर देंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर उसकी सरकार बन जाएगी। ओके, तो जैसे अभी लास्ट टाइम क्या चल रहा था, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो फार्म लोन है जो मतलब उनको माफ करेगा जो वही सत्ता बनाएगा, तो जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसी सरकारें बनी, और भी बहुत सारे राज्य थे, पंजाब में भी ऐसी सरकारें बनी। ओके, मतलब कि फार्मर्स को ये चीज यहाँ पर बताई गई कि आपका जो भी लोन है कर्जा है तो उसको हम यहाँ पर सरकार जो है वो अदा करेगी। ओके, तो इसके चलते लोगों ने सरकार बनाई, मतलब कहने का मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन है तो यहाँ पर फार्म बोर्ड्स के ऊपर होता है यहाँ पर,
ये इसके चलते क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है पंप्स, ओके, जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगे होते हैं उनके चलते कि यहाँ पर कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई बिल वगैरह नहीं आएगा, तो आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पंप्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका यहाँ पर घर घर में भी उसका इस्तेमाल होता है, जिसके चलते लीकेजेस काफी हो जाते हैं पावर सेक्टर में। और एक्सेस जो ट्यूबवेल पंपिंग है, ओके, जो मतलब कि धरती के नीचे से पानी एक्सेस तौर पर निकाला जा रहा है, तो उसके चलते हमारा जो वाटर टेबल है ना, खासतौर पे इन राज्यों में तो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है, लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो अभी देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो जो ग्राउंड वाटर कंजप्शन है वो किसके द्वारा की जाती है, जो हाउस होल्ड है उसके द्वारा की जाती है या फिर जो एग्रीकल्चर हमारा उसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आंसर जो है एग्रीकल्चर है। सबसे ज्यादा जो पानी की कंजप्शन है वो एग्रीकल्चर के द्वारा की जाती है, ना कि जो आम लोग जो पानी वगैरह पीते हैं उसके मुकाबले में एग्रीकल्चर में ज्यादा कंजप्शन होती है। तो आगे हम बात करें कि जैसे पहले ऐसा था कुएं होते थे पानी के, ठीक है, अभी वो सूख चुके हैं, क्योंकि एक लेवल होता था नॉर्मल लेवल की, मतलब थोड़ा सा खुदाई कुएं की तो पानी आ गया तो लोग पानी पीते थे, लेकिन अभी वो भी सूख चुके हैं। और दूसरा अभी जो है अभी ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो वो भी इतना गहरी खुदाई नहीं करते, क्योंकि जितनी गहरी खुदाई करवानी उतना पैसे लगते हैं, तो जो स्मॉल फार्मर छोटे फार्मर्स हैं तो वो उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो जहां तक पानी निकल आता है, ठीक है, जहां तो वो मोटर्स वगैरह या ट्यूबवेल वगैरह को यूज करते हैं, तो ऊपर वाला जितनी सतह है तो वहीं से पानी वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर रिचेस्ट फार्मर्स की बात करें तो वो मतलब ट्यूबवेल्स के कनेक्शन, जो ट्यूबवेल जो बोर होता है काफी नीचे होता है, काफी गहरा होता है, ओके, तो अगर यहाँ पर काफी गहरा बोर होगा तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो यहाँ पर ज्यादा कार्बन निकलेगा, ओके, तो यहाँ पर अगर किसी भी यहाँ पर पानी को अगर पंप करना है तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई। तो पंजाब की अगर बात करें तो ये लो रेनफॉल रीजन है, बारिश यहाँ पर एवरेज होती, इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर ये कोई राइस ग्रोन स्टेट नहीं है, मतलब जहां पर चावल की खेती हो सके। नेचुरली जो खेती है पंजाब की वो वीट की है, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, वो गेहूं नेचुरल फसल है यहाँ पर इसकी, और राइस इसकी नेचुरल फसल नहीं है, इसको जबरदस्ती लगाया जाता है। तो ये जबरदस्ती क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसके चलते राइस कल्टीवेशन जो है ना वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, वेरी प्रॉफिटेबल हो जाती है किसानों के लिए, और जो पानी है, पानी का स्तर जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो राइस की फसल होती है इसको पानी बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए होता है, अगर नहीं मिलेगा पानी तो ये फसल खराब हो जाती है। तो इसलिए जो भारत भारत का जो ईस्टर्न पोर्शन है, बंगाल की बात कर लो, असम की बात कर लो, ओके, तो इन एरियाज में चावल की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि नेचुरली बारिश बहुत ज्यादा होती है इधर, जिसके चलते यहाँ पर नेचुरली मतलब चावल ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। आगे चले जाओगे म्यांमार वाली साइड, ओके, तो वहां पर भी जो है वर्टिकल फार्मिंग करते हैं लोग, स्टेप फार्मिंग करते हैं पहाड़ों में भी, क्योंकि वहां पर बारिश जो है ना वो आम होती रहती है, तो एक्सटर्नल कोई यहाँ पर कोई सोर्स नहीं चाहिए हमें पानी लेने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर वो राइस के कल्टीवेटिंग के हिसाब से यहाँ पर वो राज्य यहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो आगे हम बात कर रहे हैं जो फार्म एजिटेशन, तो ये जो टेरिबल फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उनको ये सपोर्ट करे, जिसके चलते पानी भी हम खो रहे हैं और जो हमारे जो आस पड़ोसी हैं तो उनकी भी मृत्यु हो रही है, सेहत खराब हो रही है स्टबल बर्निंग के चलते, और अभी जो है कोविड के चलते जो है लोगों को जो है लोगों में बीमारियां जो है फैल रही है, तो अभी ये फार्म एजिटेशन नुकसान कर सकता है, बीमारी और फैल सकती है, तो यहां पर इस चीज के ऊपर जो है ना फोकस करके चलना होगा। और आखिर में एक बात कह रहे हैं कि जो लोग इस सभी चीजों की निंदा नहीं कर रहे ना, तो या तो वो पाखंडी हैं और या तो फिर वो कायर हैं, जो कि सब कुछ सामने आंखों के देखते हुए भी बोल नहीं रहे। और अभी बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो जनरल स्टडी 3 का ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर पंजाब फार्मर जो है लेस सपोज कर रहे हैं रिफॉर्म लॉस को, लेकिन यहाँ पर डर ज्यादा इसी चीज का है कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है राइस की या वीट की MSP के ऊपर, यहाँ पर वो डिसमेंटल कर सकते। तो यहाँ पर इसको इस स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से एनालिसिस करके आपने कमेंट करना है अपना आंसर जो है वो उसको स्ट्रक्चर करना। ओके, तो यहाँ पर एक आंसर जो है ना वो एक वाइट पेपर लेना, तो वहां पर इसको देने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 5 मिनट लगाने हैं इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने के लिए। शुरुआती में अगर मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे क्या क्या लिखना है पहले ये सोचने के लिए, तो ये सारा प्रोसेस जल्दी से करना है, तो 5 मिनट का टाइम जो है ना आपके पास है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और बड़ी जल्दी मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें
जो प्रीलिम्स के भी आपके टेस्ट होंगे और यहाँ पर मेंस के भी आपके टेस्ट होंगे, ओके, जिसमें आपकी अच्छी खासी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। जो आज का टॉपिक है वो है एक्सप्लोडिंग आर्म्स। तो ये जो टर्म है, ये इसका संबंध है मॉर्गेज बिजनेस के साथ, जहां पर जो है लोन दिया जाता है किसी भी अदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ओके, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई एनबीएफसी हो। तो इस बिजनेस के, लोन के बिजनेस के रिगार्डिंग ये यहाँ पर टर्म एसोसिएट रखती है। तो ये पॉपुलर तब हुई जब यहाँ पर यूएस में 2007-08 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो भयानक मंदी ये देखने को मिली थी 2007-08 में यूएस में। काफी सारा बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, ओके, मतलब जो लोन बांट चुके थे लेकिन वापस पैसा रिकवर नहीं कर पाए वो, और बहुत खराब सिचुएशन हो चुकी थी। और इसका इम्पैक्ट पड़ा था जो भी जिनका ट्रेड था यूएस के साथ, और जिन जिन लोगों ने बॉन्ड साइन किए हुए थे, बॉन्ड वगैरह खरीदे हुए थे, उन सबका नुकसान हुआ। लेकिन भारत का उस समय इतना नुकसान नहीं हुआ था। भारत फिर भी प्रगतिशील के तौर पर आगे बढ़ता जा रहा था उस समय भी, क्योंकि उस समय भारत ने कोई ऐसे बॉन्ड साइन नहीं किए थे। तो उस समय समझदारी इस्तेमाल की गई थी भारत सरकार के द्वारा भी, जो सरकारें भी जो बॉन्ड खरीदती हैं नहीं किए, जिसका फिर इम्पैक्ट भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला, ओके। लेकिन ज्यादातर बाकी पूरे कंट्रीज में ये सब कुछ था, ओके। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर डूब गई थी। तो जनरल मोटर्स करके एक कंपनी है शेवरले की, तो भारत में भी वो गाड़ियां बनाती थी, लेकिन अभी वो अपना प्लांट वापस ले चुकी है, बंद कर चुकी है भारत में अपना जो प्रोडक्शन है। तो वो भी दिवालिया हो चुकी थी उस समय। यूएस की सरकार ने वहां पर उसको सपोर्ट की थी, खरीदा था उसको। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोडिंग आर्म में क्या करता है कि जब बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाता है, यहाँ पर लोन दिए जाते हैं कि दोबारा से बिजनेस को रिवाइव करें, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा कम रखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर शुरुआत में ये बहुत कम होता है, तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर रख दिया जाता है, बहुत कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर 2-3 साल का समय गुजरता है, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी की जाती है, जब यहाँ पर इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सप्लोडिंग आर्म। तो ये जो है यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, पहले बहुत कम रखा, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे यहाँ पर आर्म्स को एक्सप्लोड कर रहे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।